दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप बाबर आजम को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 20वां अर्धशतक ठोक दिया है। इसके साथ ही बाबर आजम ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दूं बाबर आजम ने अपने 20 अर्धशतक सिर्फ 56 इनिंग्स में पूरे कर लिए। दोस्तों इससे पहले ये रिकॉर्ड टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम था जिन्होंने 62 इनिंग्स में 20 T20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने 20-50 लगाने के लिए 99 इनिंग्स खेली। आपको बता दूं दूसरे T20 मुकाबले में कप्तान बाबर आजम ने 38 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए। हालांकि इसके बाद बाबर आजम 40 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अपनी शानदार पारी के चलते बाबर आजम ने पाकिस्तान को एक मजबूत स्कोर तक पहुँचाने में अहम योगदान दिया। आपको बता दूं पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शानदार 67 रन की पार्टनरशिप लगाई और टीम को बाबर आजम ने 16वें ओवर तक 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।